हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनकोडर के बारे में बात करेंगे। तो जैसे अगर हम एनकोडर को देखें तो एनकोडर हमारा एक कॉम्बिनेशन सर्किट होता है जिसके 2^n इनपुट और n आउटपुट होते हैं हमारे, ठीक है। तो अगर हम एनकोडर को मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर के साथ में देखें तो हमने देखा है कि जो मल्टीप्लेक्सर होता है इसके पास हमारे क्या होते हैं, मल्टीपल इनपुट होते हैं और एक सिंगल आउटपुट होता है। मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल इनपुट होंगे, ये क्या करेगा, इसमें से किसी एक इनपुट को उठा के हमारा आउटपुट में रखेगा, ठीक है। मल्टीपल इनपुट में से किसी एक को सेलेक्ट करके आउटपुट में रखेगा। जबकि अगर हम डीमक्स की बात करें तो डीमक्स में क्या होता है, हमारे पास एक इनपुट होता है और मल्टीपल आउटपुट होते हैं। तो उसमें क्या करता है ये कि किसी जो हमारा इनपुट आ रहा है उसको किसी एक पर्टिकुलर आउटपुट में देगा। जबकि अगर हम एनकोडर की बात करें तो एनकोडर क्या है हमारा, इसके मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट होंगे। इनपुट कितने होंगे, 2^n, और आउटपुट कितना होगा हमारा, n। और जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि मक्स और डीमक्स में हमारे पास इनपुट और आउटपुट सेलेक्ट करने के लिए वहाँ पर सिलेक्टर लाइन होती थी। एनकोडर और डिकोडर में हमें सिलेक्शन लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जैसे अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो हमारा जो एनकोडर होता है ये हमारे मेनली 4 टाइप्स से होते हैं, और भी हो सकते हैं। पहला होता हमारा प्रायोरिटी एनकोडर, दूसरा होता ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर, डेसिमल टू बाइनरी और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो जैसे अगर हम ऑक्टल टू बाइनरी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट आउटपुट कितने होंगे, अगर हम इनपुट की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट कितने हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑक्टल मतलब 8 इनपुट होंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला इनपुट का क्या है, 2^n। 2^n हमारा कितना हो गया, 8। तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2^3। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इसका मतलब अगर हम 8 एनकोडर की बात करें, ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास 8 इनपुट होंगे और हमारे पास 3 आउटपुट लाइन होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम हेक्साडेसिमल की बात करें तो हेक्साडेसिमल मतलब कितना होता है, इसका मतलब होता है 16। तो 16 को देखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2^4। इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 4। तो जो हमारा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एनकोडर होगा यहाँ पे हमारे पास 16 इनपुट होंगे और 4 आउटपुट लाइंस होंगे, ठीक है। जबकि हम डेसिमल की बात करें तो हमें पता है कि जो डेसिमल होता है 10 नंबर होता है, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के बीच में कहीं पे आएगा। मतलब यहाँ पे 3 या 4 में से कोई सी सिलेक्शन यहाँ पे हमारा आउटपुट लाइन लगेगी। तो जैसे हम अगर डेसिमल की बात करें तो डेसिमल में हमारा क्या होता है, 10 होगा। और यहाँ पे अगर हम नंबर की बात करें तो 0 से लेकर हमारा 9 तक होता है। और 9 की बात करें तो 9 को हम बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1001 से। इसका मतलब सीधी सी बात ये है कि अगर हम डेसिमल टू बाइनरी की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें 4 आउटपुट लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ये हमारा ब्लॉक डायग्राम देके रखा है, ये हमारा 2^n इनपुट हो गए और ये हमारा n आउटपुट हो गया। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ 4x2 एनकोडर है जो कि हमारा एनकोडर का एक एग्जांपल है। यहाँ पे हमारे पास 4 इनपुट है और हमारे पास 2 आउटपुट है। जैसे अगर हम सिंपल देखें तो 4 इनपुट मतलब 2^n, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2^2। मतलब यहाँ से हमारे n की वैल्यू कितनी आती है, n की वैल्यू हमारी 2 आती है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास आउटपुट n कितनी होगी, 2 होगी। तो इस तरीके से हमने 4 इनपुट और 2 आउटपुट ले लिए और यह हमारी ट्रुथ टेबल है। तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप y0 को हाई करेंगे, है ना, बाकी सारे लो रहेंगे। जैसे आप y0 को हाई करेंगे तो इसके लिए क्या कोड देगा, 0 0 देगा, ठीक है। मतलब 1000 के लिए 00 कोड बनाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करेंगे, जब यहाँ पे y1 को हाई करेंगे तो ये यहाँ पे 01 कोड देगा। इसी तरीके से जब आप क्या करेंगे, यहाँ पे y2 को हाई करेंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, 10 को हाई करेगा। और जब यहाँ पे आप y3 को हाई करेंगे, मतलब यहाँ पे 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 11 होगा। जैसे हमें पता है कि 00 मतलब क्या होता है, 0। तो जब आपने 0 वाले को हाई किया तो यहाँ पे 00 कोड दिया, जब आपने 1 वाले को हाई किया तो 01 मतलब 1 होता है तो यहाँ पे 1 कोड दिया, 2 मतलब 10 होता है तो इसके लिए कोड दिया, और 3 मतलब 11 दिया, ठीक है। यहाँ से अब अगर हम इसकी टेबल देखें तो यहाँ पे अगर हम इसकी इक्वेशन देखें तो यहाँ पे इसके लिए क्या इक्वेशन आएगी, जैसे A1 की बात करें इसके आउटपुट के लिए, तो यहाँ पे क्या क्या आउटपुट आ रहा है, एक तो हमारा हाई कहाँ पर आ रहा है, मतलब A1 के लिए हाई कहाँ पे आ रहा है, एक तो Y2 पे आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा Y2, और दूसरा 1 के लिए क्या हमारा Y3, तो ये आ जाएगा Y2+Y3। इसी तरीके से अगर हम A0 की बात करें तो A0 का क्या रहेगा, A0 हमारा 1 किस किस के लिए, एक तो Y1 के लिए, तो यहाँ पे हमारा Y1 आ जाएगा,
और दूसरा हमारा किसके लिए, Y3 के लिए। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, प्लस में Y3। तो ये हमारी इसकी इक्वेशंस हो गई। अब इसके लिस्ट में हम क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो सर्किट डायग्राम में हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी, अगर हम यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हमें Y1, Y2 और Y3 की जरूरत पड़ रही है। मतलब क्या क्या लग रहा है, Y1, Y2 और Y3 की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। और यहाँ पे ऑपरेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A1 के लिए हमारा Y1 प्लस Y3 हो रही है, मतलब A1 के लिए हमारा Y2 प्लस Y3 हो रहा है। तो यहाँ पे एडिशन हो रहा है, तो एक और गेट हमारा इसके लिए आ जाएगा, और यहाँ पे भी एडिशन हो रहा है, तो एक और गेट हमारा इसके लिए आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम किसको कनेक्ट करेंगे, Y2 और Y3 को। तो यहाँ से हमारा Y3 आ जाएगा, यहाँ से हमारा Y2 आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, Y2 प्लस Y3 देगा, और यहाँ पे हमारा Y1 प्लस Y3 है। तो यहाँ से आप Y1 दे दीजिए और यहाँ से आप Y3 दे दीजिए, तो यहाँ Y1 प्लस में Y3 आ जाएगा। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है। ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें हम 8x3 एनकोडर को एक्सप्लेन करेंगे। तो सिंपल, जैसे अगर देखें हमारे पास 8 है, तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 to the power 3। इसका मतलब 8 इनपुट के लिए हमारा कितने आउटपुट लगेंगे, हमें 3 आउटपुट लगेंगे। तो यहाँ पे हमने 8x3 का एनकोडर बना लिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 8 इनपुट है और 3 आउटपुट है। अब अगर हम इसके ट्रुथ टेबल को देखें, तो ये कुछ वैल्यू मैंने पहले ही रख दी। जब हमारा Y1 हाई होगा, तो उस कंडीशन में हमें कोड क्या मिलेगा, 0, 0, 0, ठीक है, क्योंकि 0 का हम 3 बिट के लिए 0, 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। जब 1 एक्टिव होगा, तो 1 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0, 0, 1। इसी तरीके से अगर 2 आएगा तो क्या आएगा, 0, 1, 0। जब हमारा 3 आएगा, 3 के लिए क्या हो जाएगा, 0, 1, 1। इस तरीके से 4 के लिए 1, 0, 0, 5 के लिए 1, 0, 1, 6 के लिए 1, 1, 0 और 7 के लिए हमारा 1, 1, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इनके आउटपुट की बात करें, जैसे हम इसके लिए इक्वेशन लेके, ठीक है, अगर हम A2 के लिए इक्वेशन लेके, तो A2 के लिए हमारा कहाँ कहाँ पे है, ये हमारे पास 4 1 है, किस किस के लिए, एक तो Y4, फिर Y5, Y6 और Y7। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, Y4 प्लस Y5 प्लस Y6 प्लस Y7 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम A1 की बात करें, तो A1 कहाँ कहाँ दे रहा है, एक तो हमारा ये दो आ रहे हैं 1, एक कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, एक हमारा Y2 के लिए आ रहा है, दूसरा हमारा Y3 के लिए आ रहा है। तो एक आ जाएगा हमारा Y2 प्लस Y3 आ जाएगा, ये दो और आखिरी के दो, मतलब हमारा क्या आ जाएगा, 6 और 7 के लिए आ जाएगा, ठीक है। ये दो हमारे 6 और 7 के लिए आ जाएगा, मतलब प्लस में Y6 प्लस में Y7 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें, तो A0 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक तो हमारा 1 पे आएगा 1, तो A0 की बात करें तो ये आ जाएगा हमारा Y1, फिर आ रहा हमारा ये कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा हमारा Y3 में प्लस Y3, फिर नेक्स्ट आ रहा होगा हमारा 5 पे, तो ये आ रहा हमारा Y5 पे, और लास्ट वाला हमारा Y7 पे, तो ये हमारा Y7 पे आ गया। इसके लिए अब हम लोग इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो जैसे कि हमें 8x3 के लिए सर्किट डायग्राम बनाना, तो यहाँ पे अगर हम देखें इक्वेशन में, तो इक्वेशन हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, Y1 की, Y2 की और Y3 की, Y4, Y5, Y6 और Y7, ये हमें लग रहे हैं। तो इस हिसाब से हमने क्या किया, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 और Y7 के हम लोगों ने लाइन खींच ली, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, तो यहाँ पे हमारे पास कितने आउटपुट है, 3 आउटपुट है। 3 आउटपुट के लिए, तीनों आउटपुट पे हमारा क्या हो रहा है, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। मतलब यहाँ पे हम कौन सा गेट यूज़ करेंगे, और गेट। तो एक और गेट इसके लगेगा, एक और गेट इसके लिए लगेगा, और एक और गेट इसके लिए लगेगा, मतलब कुल मिला के 3 और गेट लगेंगे। तो 3 और गेट लगा लेते हैं, ये हमारा पहला और गेट हो गया, और इसी तरीके से हमने दूसरा और गेट बना लिया, और ये हमारे 3 और गेट हो गया, ठीक है। पहले की बात करें, तो ये जो हमारा यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें A2 मिलेगा। A2 कहाँ कहाँ कनेक्ट है, Y4, Y5, Y6 और Y7। तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं, Y7 और फिर Y6, Y4, सॉरी Y5 और यहाँ से Y7। इस तरीके से हमें A2 मिलेगा। A1 की बात करें, तो ये कहाँ है, 2, 3, 6 और 7, 6 और 7। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 7 कनेक्ट कर देंगे, फिर 6 कनेक्ट कर देंगे, और फिर 3 था हमारा, 3 कहाँ पे, 3 हमारा ये रहा, तो यहाँ से हम 3 को कनेक्ट कर देंगे, और आखिरी में क्या हमारा Y2 है, तो Y2 को हम यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। लास्ट वाला हमारा कहाँ है, Y1, Y3, Y5 और Y7, ठीक है। तो Y7 से यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट है Y5 और फिर हमारा Y3 है, तो यहाँ से हम इसको Y3 से कनेक्ट कर देंगे, और लास्ट में हमारा Y1 से कनेक्ट है, तो हम यहाँ से उसको उठा के Y1 से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा,
यहाँ पे हमें मिलेगा y4 प्लस y5 प्लस y6 प्लस y7, और यहाँ से a1 बराबर मिलेगा y2 प्लस y3 प्लस y6 प्लस y7, और यहाँ पे a0 बराबर हमें क्या मिलेगा y1 प्लस y3 प्लस y5 और प्लस में y7। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर वो 16x4 अगर एनकोडर की बात करें तो हम इसी तरीके से जैसे हमने 4x2 और 8x3 एनकोडर बनाया, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि 16x4 एनकोडर भी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।